इंग्लिश का एक कोट मुझे बहुत पसंद है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक स्टेयर्स। यानी लाइफ में सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, हमें सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि स्टेयर्स सेफ हों और जो उसकी स्टेप्स हैं वो चैलेंजिंग भले ही हों लेकिन बाधा ना बने, हम गिरे नहीं। और आज के इस पॉडकास्ट का सब्जेक्ट भी है स्टेयरकेस, यानी कि सीढ़ियां। मैं आपको बताऊंगा कि स्टेयरकेस को सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सेफ, ड्यूरेबल और कंफर्टेबल बनाने के लिए आप कैसे टाइल्स लें और किन बातों का ध्यान रख के आप अपना स्टेयरकेस ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, सेफ और कंफर्टेबल बना सकते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको 5 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला है, स्टेयरकेस के स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल्स के लिए। दूसरा सवाल है, क्या क्या पॉपुलर ऑप्शन है मटीरियल के स्टेयरकेस के लिए। तीसरा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइल्स से बनी स्टेयरकेस क्या वाकई में ब्यूटीफुल एज वेल एज ड्यूरेबल होती है। चौथा सवाल है, किस तरह की टाइल्स, व्हाट टाइप्स ऑफ टाइल्स आर सुटेबल फॉर स्टेयरकेसेस। और पांचवा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक ड्यूरेबल, सेफ और ब्यूटीफुल स्टेयरकेस को टाइल्स यूज करके हम लेसर कॉस्ट में कैसे बना सकते हैं। अगर आप वाकई में सीरियस हैं स्टेयरकेस के बारे में तो अगले कुछ मिनट मुझे दीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट, आई एम कॉन्फिडेंट। एंड इफ यू फील लाइकिंग इट, प्लीज डू दैट एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद अदर्स ऑल्सो। आपके लाइक्स और शेयर्स मेरी फीस भी है और रिवॉर्ड भी। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर, मैं हूं दिनेश व्यास विद येट अनदर पॉडकास्ट जिसका सब्जेक्ट है हाउ टू क्रिएट गुड स्टेयरकेस एट लेसर कॉस्ट यूजिंग टाइल्स। 5 सवाल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे, अब हम एक एक करके उनको एड्रेस करते हैं। देखिए, मेरी दिली इच्छा है कि OTF के पॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं अपनी क्षमता भर वैल्यूएबल कंटेंट तो क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी हेल्प लगेगी। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शो योर सपोर्ट एंड शेयर दिस पॉडकास्ट इन योर नेटवर्क, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो पहला सवाल है कि स्टेयरकेस के स्टैंडर्ड साइजेस क्या हैं, यानी क्या स्टेयरकेसेस के स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं। तो जवाब है जी, बिल्कुल होते हैं। इंडिया में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बनाया है NBC यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड, जिसमें स्टेयरकेसेस के स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। इस स्टैंडर्ड का ये रेफरेंस मैं आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए दे रहा हूँ। इफ यू आर अ कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल, आप इसके डिटेल्स जानते होंगे या अब इसे रेफर कर लीजिएगा। और हाँ, हमेशा स्टैंडर्ड्स का लेटेस्ट एडिशन ही रेफर करिएगा, बिकॉज ये पीरियडिकली रिवाइज होते हैं। ये पॉडकास्ट इस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। मैंने एक स्लाइड बनाई है आपके लिए जिसमें डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स में स्टेयर केसेस के लिए जनरली कौन कौन से डायमेंशंस इंडिया में फॉलो हो रहे हैं ये दिखाया है। लेकिन उसके पहले मैं स्टेयर केसेस में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में भी बात कर लेता हूँ, खासकर 3 टर्म्स। पहला टर्म है स्टेयर की विड्थ, दूसरा टर्म है ट्रेड यानी टप्पा जिस पर हम पैर रखते हैं, और तीसरा टर्म है राइजर, जो वर्टिकल जो सीढ़ी जाती है उस वर्टिकल पोर्शन को राइजर कहते हैं। और ये है पहले सवाल का जवाब, क्या है रिकमेंडेड डायमेंशंस। इस स्लाइड में मैंने डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग्स में जनरली क्या डायमेंशंस या साइजेस मेंटेन किए जाते हैं ये दिखाया है। इसमें 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला ये कि पब्लिक बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशंस में राइजर की हाइट मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर और स्टेप की डेप्थ यानी कि ट्रेड की डेप्थ मिनिमम 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फिट के आसपास। इस तरह के बिल्डिंग्स में स्टेयर की मिनिमम विड्थ 5-6 फिट होती है। वहीं रेजिडेंशियल में विड्थ 2-4 फिट के आसपास, राइजर 20 सेंटीमीटर यानी कि अप टू 8 इंच और ट्रेड यानी कि टप्पा 9-10 इंच तक होता है। वीडियो को पॉज करके आप डायमेंशंस को ध्यान से देख सकते हैं। एंड एज आई सेड, प्लीज रेफर NBC SP 7 टू इंश्योर दैट यू डोंट डू मिस्टेक्स हियर। हमारा दूसरा सवाल था, स्टेयर केसेस के लिए क्या क्या मटेरियल बाजार में है, कौन कौन से ऑप्शन है। तो देखिए, हिस्टोरिकली जो सबसे कन्वेंशनल ऑप्शन रहा है वो है नेचुरल स्टोन्स। मॉडर्न बिल्डिंग्स की बात करें तो ग्रेनाइट सबसे ज्यादा फेवरेट ऑप्शन है अपनी मजबूती और इजी अवेलेबिलिटी के कारण। इसके बाद इंटीरियर्स में मार्बल के भी स्टेयर्स बनाते हैं। ग्रेनाइट एंड मार्बल के अलावा फिर लोकली अवेलेबल दूसरे हार्ड स्टोन्स भी हैं, स्टेयर केस में यूज होते हैं। लगभग सभी तरह के स्टोन्स एक तरह से यूज होते हैं। दूसरा ऑप्शन काफी पुराने जमाने से है वुड। बहुत तरह से वुड को स्टेयर्स के लिए यूज किया जा सकता है एंड इफ मेंटेन प्रॉपरली ये ड्यूरेबल भी होते हैं। तीसरा ऑप्शन खासकर इंडस्ट्रियल सेटअप में होता है मेटेलिक स्टेयरकेसेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कंक्रीट से लेकर ग्लास तक। फिर हम एक ऐसे ऑप्शन की बात करते हैं जो बहुत पुराना भी है और नया भी, और वही हमारे इस पॉडकास्ट का हीरो है, सिरेमिक मटेरियल के बने हुए टाइल्स। स्टेयरकेस में टाइल्स का इस्तेमाल काफी पुराना है, हालांकि ये उस टाइम पर डेकोरेशन के तौर पर था और इजी टू मेंटेन सरफेस के कारण था। और आज 2024 में
सिरेमिक मटेरियल से बनी स्टेयरकेस न सिर्फ एस्थेटिक्स बल्कि ग्रेनाइट जैसी स्ट्रेंथ के लिए भी फेवरेट ऑप्शन बन गई हैं। टाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है और रिसर्च के बाद ऐसे ऐसे ऑप्शंस बने हैं जो न सिर्फ फ्लोरिंग बल्कि स्टेयरकेसेस के लिए भी सूटेबल है, जो ड्यूरेबल है, इजी टू मेंटेन है और देखने में भी सुंदर है। हमारा तीसरा सवाल था स्टेयरकेसेस के लिए किस तरह के टाइल, व्हाट टाइप्स ऑफ टाइल्स आर मोस्ट सूटेबल और व्हाट आर द लेटेस्ट एंड ट्रेंडी टाइल्स फॉर स्टेयरकेसेस इन इंडिया। यहां मैं आपको सलाह दूंगा पिछले कुछ पॉडकास्ट देखने की जिनमें मैंने टाइप्स ऑफ टाइल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियत बताई है। स्टेयरकेस के लिए सबसे उपयुक्त टाइल वो है जिनका MOR यानी कि मॉडुलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ज्यादा है और जिनकी थिकनेस भी ज्यादा है। सरल भाषा में कहूं तो आपको लेना है पोर्सलीन बॉडी के टाइल्स जिसकी थिकनेस कम से कम 12 मिलीमीटर हो, 15 हो तो और बेहतर। पोर्सलीन टाइल्स यानी कि जिनकी बॉडी बहुत मजबूत होती है, डेंस होती है और ये पता चलता है उसके वाटर एब्जॉर्प्शन से, विच शुड बी लेस देन 0.5%। और सबसे जरूरी बात, ये टाइल्स एंटी स्किड होना ही चाहिए क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। कुछ जगहों पर मैंने स्टेयरकेस में पॉलिश ग्रेनाइट और पॉलिश मार्बल लगा देखा है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है बिकॉज ये रिस्की है। तो आपका टाइल विट्रीफाइड हो, ठीक हो और एंटी स्किड हो, तभी ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी इंश्योर होती है। अब बात आती है एस्थेटिक्स की यानी कि विजुअल अपील की, डिजाइन, शेड्स, कलर्स, टेक्सचर्स। तो आज बाजार में बहुत तरह की डिजाइंस, कलर्स, शेड्स, टेक्सचर्स अवेलेबल हैं। ढेरों लोग टाइल बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने डिजाइंस के लिमिटेशंस खत्म कर दिए हैं। ग्लेज्ड टाइल्स में अनंत रेंज की डिजाइंस पॉसिबल है। पोर्सलिन और विट्रीफाइड टाइल्स में आपको बेसिकली दो वेराइटी मिलेंगे, एक वो जो फुल बॉडी है, दूसरे वो जो ग्लेज्ड विट्रीफाइड है यानी कि GVT टाइप के हैं। इन टाइल्स को डिटेल में समझने के लिए, उनके प्रोज एंड कॉन्स समझने के लिए आप मेरे दूसरे पॉडकास्ट देख लें ताकि जो भी सवाल इन टाइल्स रिलेटेड आपके दिमाग में आ सकते हैं उनका जवाब मिल सके। अब बात आती है किस साइज के टाइल लें। हमने स्टेयर केसेस के स्टैंडर्ड साइज की बात की तो उसको ध्यान में रखें तो छोटे साइज में जो सबसे ज्यादा सुटेबल टाइल होगा वो है 30x30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फिट बाई 1 फिट के आसपास। तो ट्रेड में तो पूरा यूज हो जाएगा, 9 इंच होगा, 10 इंच होगा या 12 इंच होगा और उसी को जब आप काटेंगे तो उसमें दो राइजर निकल आएंगे अगर राइजर की जो हाइट है वो 6 इंचेस है। लेकिन सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडी ऑप्शन क्या है, तो देखिए 2015 में एक कंपनी ने 4 फिट लेंथ और लगभग 1 फिट विड्थ के यानी कि 30x120 सेंटीमीटर के स्टेयरकेस स्टाइल स्टेपिंग स्टोन के नाम से इंडिया में लॉन्च किए थे। इनमें कुछ और भी खासियत थी, जैसे इनकी जो लीडिंग एज है जो बाहर दिखती है ट्रेड से वो पूरी तरह से फुल बुल नोज थी यानी कि पूरी तरह से राउंडेड थी और ये टाइल एंटी स्किड थे। इस न्यू प्रोडक्ट में थी ग्रेनाइट जैसी मजबूती, एंटी स्किड की सेफ्टी और ब्यूटीफुल लुक्स और इसने टाइल्स को एक बार फिर एस्टेब्लिश कर दिया स्टेयरकेस के लिए और उसकी सफलता देखकर बहुत सारी कंपनीज ने वैसे ही टाइल बनाना शुरू कर दिया। इसका फायदा कस्टमर्स को हो सकता है क्योंकि उनको ज्यादा बड़ी रेंज मिलेगी चूज करने के लिए। डिफरेंट कंपनीज अपने साइज, अपनी थिकनेस, अपनी फिनिश, अपनी डिजाइन डिसाइड करती हैं। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ एक कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। तो स्टेपिंग स्टोन में 3 साइजेस यहाँ पर आते हैं और 2 डिफरेंट थिकनेस। इनका जो स्टार प्रोडक्ट है वो है फुल बॉडी टाइल, 30x120 सेंटीमीटर का उसका साइज है और 15mm की थिकनेस। यही टाइल 60x120 सेंटीमीटर के साइज में भी आते हैं जिससे आप लैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं और उन्हीं को काटकर आप राइजर बना सकते हैं। इसके अलावा 2 और साइज स्टेपिंग स्टोन में आते हैं। गुजरात में बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज ऐसे दिखने वाले टाइल्स बना रही हैं। साथ ही कजारिया, सिंपोलो, सोमानी, AGL से लेकर दर्जनों दूसरी ब्रांड भी ये प्रोडक्ट बनाने लगी हैं। और अब आज का 5वां यानी कि आखिरी सवाल, हम ब्यूटीफुल, सेफ और ड्यूरेबल स्टेयरकेस टाइल्स यूज करके कम कॉस्ट में कैसे बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे पॉडकास्ट आपको अच्छे लगते हैं, इफ यू लाइक इट देन आई नीड योर लिटिल हेल्प एंड सपोर्ट। प्लीज शेयर दिस पॉडकास्ट इन योर नेटवर्क ताकि OTF ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप अपने सजेशंस भी दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। कमिंग बैक टू द आखिरी सवाल, कैसे हम ब्यूटीफुल ड्यूरेबल स्टेयर्स को टाइल्स यूज करके कम कॉस्ट में बना सकते हैं, तो देखिए दुनिया में कई चैलेंजिंग सवालों के जवाब कॉमन सेंस से मिलते हैं और स्टेयर केस के मामले में कॉमन सेंस वाली 2 बातें हैं। पहली ये कि स्टेयर केस में जो पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है वो है टप्पा यानी कि ट्रेड यानी कि स्टेप, लेकिन जो राइजर है वो सुखी है। यानी अगर ट्रेड में हम 15mm का टाइल या हैवी ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं तो राइजर में हम एस्थेटिक्स पर ध्यान दें।
अननेसेसरली हैवी टाइल्स को जो जो ज्यादा कॉस्टली भी हो सकता है वो क्यों लगाएं? यू कैन गेट ब्यूटिफुल टाइल्स फॉर राइजर एट 50% कॉस्ट ऑफ द स्टेप टाइल। दूसरी बात, हम सिंगल लार्ज स्टेप टाइल्स की जगह छोटे टाइल्स यूज करके भी अच्छी स्टेप्स बना सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो आप छोटे टाइल लें वो फुल बॉडी हो, उनका MOR फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ हाई हो और उनकी थिकनेस कम से कम 12 या 15 mm होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है अचानक आपको कुछ दिख जाए सोच में, टूटी हुई एजेस जो टाइल्स की होती हैं, उखड़े हुए टाइल्स, वो डर आपको सता सकता है। इसका समाधान क्या? अगर टाइल्स की एजेस टूटी दिखने लगी तो क्या फायदा? तो देखिए, इसका भी एक बड़ा कॉमन सेंस वाला सॉल्यूशन है। हाँ, वो प्रचलित नहीं है इंडिया में, ये बात सही है। आप यूज करिए मेटेलिक प्रोफाइल्स और टाइल को यूज करिए। ये कुछ विजुअल्स हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे। रेड स्टेप टप्पे की मजबूती इंपॉर्टेंट है और राइजर की एस्थेटिक्स। इनफैक्ट राइजर में अगर आप इवन ग्लेज्ड वॉल टाइल भी यूज करेंगे तो टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना। अगर इस पॉडकास्ट से रिलेटेड या कोई और सवाल है आपके मन में फ्लोरिंग के बारे में तो कमेंट बॉक्स का यूज करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड हेल्प। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर हेल्प टू रीच आउट 1 million पीपल टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट इंटीरियर्स एंड बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।